वंदे मातरम श्री माता शरणम मम श्री अरविंद शरणम मम। आज हम कक्षा नौवीं के हिंदी विषय में पढ़ेंगे, हिंदी विषय को ही पढ़ेंगे। और इस विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं प्राचीन कविताओं में कबीरदास जी के, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के, रहीम के और गिरिधर कविराय, जो एक प्राचीन कवि हैं, इनके बारे में पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। जो गिरिधर कविराय के कुंडलियां गिरिधर कविराय की कुंडलियां कुंडलियां गिरिधर कविराय, तो कुंडलियां जो गिरिधर कविराय के हैं, तीन पद जिसे हम दोही जैसे जानते हैं, उसी तरह इन कुंडलियों में तीन में एक पढ़ चुके हैं। कविराय जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तभी भी थोड़ा बहुत इनके बारे में, कवि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कविराज जी के जीवन के बारे में हमारे हिंदी साहित्य में कोई भी ऐसा कोई सत्य या प्रामाणिक चित्र, प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती अभी तक, कि इनका पैदा होना या परलोक सिधारना। इनके साहित्य के बारे में भी बहुत सारे साहित्यिक के बारे में बहुत सारे साहित्यिक या ऐतिहासिक लिखे हैं जो शक में रह गया है। तो जन्मकाल के बारे में 1713 ये शिव सिंह सेंगर देखो ये मैं पिछले कक्षा में बोल दिया था, फिर भी थोड़ा ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। बताया है शिव सिंह संगर के अनुसार 1713 ईस्वी लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं, अवध का रहने वाला, अवध, इसीलिए वे अवधी भाषा में लिखे
अवध का निवासी कविराय नाम से लोग ऐसा जानते हैं, कविराय नाम से इसलिए जानते हैं कि वे जाति के भाट, जो भी हो जाति के लिए कविराय जी या गिरधर कविराय जी रीतिकाल के प्रसिद्ध। कौन सी काल? रीतिकाल। रीतिकाल के एक प्रसिद्ध जो नीति काव्यकार नीति काव्यकार रीतिकाल के नीति काव्यकार के रूप में माने जाते हैं या सुपरिचित हैं, ये माने जाते हैं, माने जाते हैं किनको? कविराज जी को। उनकी कुंडलियां सबसे विख्यात हैं और कुंडलियां जो है भारतवासियों के लिए, समग्र देश के लिए, समग्र जनताओं के लिए खूब प्रचलित है। लोग इन्हें बड़ी चाव से सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अर्थात इन कुंडलियों में दैनिक जीवन के लिए अर्थात एक मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, अर्थात इनका गुण अवगुण कैसा है, किसको अपनाना है किसको हटाना है अपने मन से, ये सारे चीज इन कुंडलियों में देखने को मिलता ही है और बहुत सारे उपयोगी बातें इनमें दिया गया है और उपयोगी बातों को इन कुंडलियों में कही गई हैं। तो सीधी साधी तथा सरल भाषा में भी ये कुंडलियाँ रचित हैं और ये सीधी साधी अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के भाषा में लिखे जाने के लिए ग्रामीण लोग ज़्यादातर देहाती लोग इस कुंडलियों को समझ लेते हैं और जब समझ में आ जाता है लोग उन्हें ज़्यादातर अपनाते हैं और ये कुंडलियाँ लोकप्रिय भी है। कुछ विद्वानों की मतानुसार ये जो साई शब्दावली कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रचना की गई है और गिरधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधि भाषा में ही मिलती है क्योंकि वे अवध के निवासी थे, अवध के निवासी अर्थात अवध में रहने वाले, तो इनके ये मिलती जुलती जो आवश्यक साहित्यिक सिद्धांत, कई लोग ये जो जानकारी इनके साहित्य के बारे में जो जानकारी दिए हैं, इनके जीवन के बारे में जो जानकारी दिए हैं वे प्रामाणिक चित्र के अनुसार नहीं मिलती, इसीलिए लोग उन्हें पढ़कर जो जानते हैं वे हिंदी साहित्य के अनुसार या हिंदी साहित्यिक के अनुसार ही समझ लेते हैं। तो आज हम इन कुंडलियों में कुंडलियाँ में गिरधर कविराज क्या कहते हैं आगे जाएंगे। बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में हो धसाए, ये हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। बिना बिचारे जो करे, इसका अर्थ के बारे में भी हम लिख चुके हैं अर्थ। बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। बिना अर्थात ना, अर्थात बिना बिचारे, बिना अर्थात विचार न करके, बिना बिचारे जो करे अर्थात कोई भी काम जो करता ही हो, कैसे करता ही हो, जो बिना सोच विचार के करता हो। सोच विचार का मतलब इसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा ये नहीं सोचकर जो करेगा, जो करे ही,
करई करे या करता है। अर्थ के बारे में भी पिछले कक्षा में दिया गया है, जो बिना विचारे जो करे, अर्थात जो बिना सोच विचार के काम करता ही है। सो पाछे पछताए, सो अर्थात वह, सो वह अर्थात बाद में वह पछताता ही है। जो बिना विचारे काम करता है सो पाछे अर्थात पीछे, पाछे पीछे पछताता है, पीछे पछताता है। पीछे अर्थात बाद में पछताता है। बाद में पछताता है अर्थात वह उसी काम के लिए अपनी आप को दोषी मानता है तो पीछे पछताता है। पछताए अर्थात अनुताप करना, पछताना, काम के लिए जो बुरा काम किया हो उसके लिए अनुताप करना ही है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। अर्थात काम बिगाड़े अर्थात बिगाड़े, फिर लिख देता हूँ थोड़ा, बिगाड़े शब्दार्थ में काम बिगाड़े, बिगड़ना, बिगड़ जाना, उसका नतीजा अच्छा नहीं होना। काम बिगाड़े अर्थात बिगड़ना काम बिगाड़ो आपनो अर्थात अपना काम बिगड़ जाता है। बिना विचारे या सोच विचार करके जो काम करता है उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। जग में होत हंसाय अर्थात संसार में, जग में क्या होता है, हंसी के पात्र जग में संसार में, अर्थात लोग उन्हें हंसते ही हैं। जग संसार पर्यायवाची शब्द, जग संसार दुनिया आदि। तो जग में होत हंसाए, हंसाए अर्थात हंसी के पात्र बनना, हंसी मजाक, हंसाए हंसी मजाक, हंसी मजाक आदि। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए अर्थात जग में हंसी के पात्र ही होता है, अर्थात सारे दुनिया के लोग उसे उनकी असफलता के लिए हंसते ही हैं। तो ये था पहला कुंडलिया में, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे आज। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, बर्तनी की ओर ध्यान देना। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, राग रंग मन ही न भावे। थोड़ा इसको ध्यान दो, जग में होत हंसाए, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे।
खान पान सनमान राग रंग मन ही न भावे। ध्यान दो, जग में होत हंसाए जग में होत हंसाए जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे चित में चैन न पावे चित में चैन न पावे खान पान खान पान सम्मान सम्मान खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे मन ही न भावे। ध्यान देना बर्तनी की ओर और उच्चारण की ओर पर भी ध्यान दो, राग रंग मन ही ये छोटे की मात्रा मन ही न भावे मन ही न भावे। तो इस दोहे में क्या है देखो, हम थोड़ा शब्दार्थ की ओर जाएंगे। जग में होत हंसाए, पहले हम लिख चुके हैं जग अर्थात संसार, जग दुनिया संसार, जग में होत हंसाए, होत अर्थात होता है या होना, होत होता है, जग में होत हंसाए हंसाए हंसी मजाक, चित में चैन न पावे चित में चैन न पावे चित अर्थात मन, चित अर्थात मन अर्थात चित, चित में चैन न पावे चित में मन में चैन जो शांति चैन न पावे चैन शांति आराम आदि चैन बोला जाता है। तो जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे चित में चैन न पावे पावे पाना चैन पाना शांति पाना पावे जग में होत हंसा चित में चैन न पावे खान पान खाना पीना खाना पीना खान पान खाना पीना खान पान खाना पीना पान का अर्थ पान पीना खान पान खाना पीना। तो जग में हो धंसा चित में चैन न पावे खान पान सम्मान राग रंग देखो ये जो संगीत की जो राग होता है वही राग, और ये खास तौर पर
आदमी के या कई लोगों के चित्त विनोद के लिए, मन में आराम के लिए प्रयोग किया जाता ही है और गीत गाया जाता है आदि। जो राग गीत संगीत, गीत या संगीत, गीत संगीत राग, खान पान सनमान, यहाँ देखो सनमान, सनमान नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ, सनमान सम्मान, सम्मान इसको हम आदर बोलेंगे, आदर के साथ कदर करना ही है, अदर कदर इत्यादि। तो खान पान सम्मान, राग रंग चित्त विनोद, राग रंग अर्थात चित्त विनोद में जो होता है मन की विनोद के लिए, मन की अच्छाई के लिए राग रंग, राग गीत संगीत और राग रंग, राग रंग, राग रंग मन विनोद के लिए साधन, राग रंग मन विनोद मन विनोद या मन विनोदन, मन की खुशी के लिए, मन के आनंद के लिए मन ही अर्थात मन ही अर्थात मन में जग में होत हंसाए चित में चिन्ह पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, मन ही न भावे, न अर्थात नहीं, ये नकारात्मक है, तो न भावे, भावे भावे अर्थात भाव में आना, यहाँ क्या है न भावे पसंद न आना, भावे पसंद आना, पसंद आना, पसंद में आ जाना। तो राग रंग मन ही न भावे अर्थात मन में, अर्थात मन को कभी कुछ पसंद नहीं होता, जब क्या होता है जग में लोग हंसी के लोग उन्हें हंसते ही हैं, ये था इनके शब्दार्थ। जग दुनिया होत होता है चित्त मन चैन शांति आराम पावे, भावे पावे पाना, भावे पसंद आना, खान पान खाना पीना, पान पीना, राग गीत संगीत, सम्मान सम्मान आदर कदर करना, राग रंग मन विनोदन, मन विनोदन मन विनोदन मन विनोदन के लिए, और मन ही न भावे, मन ही मन में न नहीं हुआ। शब्दार्थ के बाद इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जग में होत हंसाए अर्थात पहले पद से दूसरा का जो संपर्क होता है, देखो बिना विचार करके जो काम करता ही हो, कोई भी काम जो करता है, सो अर्थात जो काम करता है वह पाछे पछताए, बाद में पछताता ही है। काम बिगाड़े आपनो अर्थात अपना काम बिगड़ जाता है, अर्थात बिना विचारे काम करने के बाद वह बाद में पछताता है, काम बिगड़ जाता है, अर्थात उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता।
जग में हो धंसा है, और क्या होता है उसका परिणाम, जग में अर्थात सारे संसार में हंसी के पात्र ही बनता ही है, अर्थात लोग उन्हें हंसते ही हैं। जग में हो धंसा है, उसका नतीजा जग में हो धंसा है, सारे दुनिया के लोग उन्हीं काम बिगड़ जाने के लिए हंसते ही हैं, हंसी के पात्र ही बनता ही है वह, फिर भी और क्या होता है, चित्त में चैन न पावे, चित्त में अर्थात मन में अपने दिल में हृदय में क्या होता है, चित्त में चैन न पावे अर्थात शांति नहीं मिलता कभी भी, अर्थात उन्हें चैन न पावे, पावे अर्थात चैन शांति उन्हें नहीं मिलता। कह गिरिधर खान पान सम्मान और क्या होता है, शांति तो नहीं मिलता, फिर भी उन्हें कुछ खाने पीने में मन नहीं लगता, क्योंकि अपने जो काम किया वह बिना विचार के किया था और उसका नतीजा अच्छा ही नहीं निकला, तो खान पान सम्मान ये भी उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, अर्थात खान पान में मन नहीं लगा, उन्हें सम्मान भी नहीं मिला, और क्या लोग उन्हें हंसने लगे, और राग रंग अर्थात मन के लिए, मन के खुशी के लिए जो होता ही है वही मन विनोदन, राग रंग गीत संगीत आदि जो कुछ भी अच्छाई चीज उन्हें मन ही न भावें, अर्थात उनके मन में अर्थात उनको पसंद नहीं आता, मन में न भावें, मन में पसंद न आना अर्थात उनको अच्छा ही नहीं लगता, अर्थात उनका कारण उसका क्या है, बिना विचार के वो काम किया, ये था। और आगे फिर है गिरिधर कविराज जी और क्या कहते हैं, और एक पद में तो इस पद में क्या क्या लिखे हैं गिरिधर कविराज जी, कह गिरिधर कविराय, क्या लिखे हैं, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, खटकत है जिय माही कियो जो बिना बिचारे, ये दो ये पद को हम लिखेंगे और थोड़ा समझेंगे। कह गिरिधर कविराय, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, दुख कछु टरत न टारे, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, खटकत है जिय माही खटकत है जिय माही, खटकत है जियो माही क्यों जो बिना विचारे, क्यों जो बिना विचारे, बिना विचारे, ध्यान दो थोड़ा सभी बर्तनी के और क्या क्या लिखा गया है यहाँ, जियो माही कियो जो बिना विचारे, तो एक बार कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, तो इसको थोड़ा हम उसके बारे में उसके शब्दार्थ के बारे में थोड़ा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शब्दार्थ भाषा के बर्तन ही जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो
कहा गिरिधर कविराय, अर्थात गिरिधर कविराय क्या कहते हैं, या गिरिधर कविराय जी ये कहते हैं कि, कहा गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय कहते हैं कि दुख कछु टरत न टारे। अर्थात यहाँ कविराय जी दुख कछु टरत न टारे, यहाँ देखो दुख कछु टरत न टारे, कछु कुछ कुछ भी, दुख कछु टरत न टारे, अर्थात जब ये सब बेकार हो जाता है, मनोविनोदन के सारे साधन, मानसिक रूप से जो बेचैन होता है, शांति नहीं मिलता, उसका काम बिगड़ जाता है, तो लोग उन्हें हंसते ही हैं, वह हंसी का पात्र बनता ही है और उन्हें पछताना ही पड़ता ही है, तो क्या होता है, वह दुख कछु टरत न टारे, अर्थात दुख टरत, टरत अर्थात टलना, टलना, टरत न टारे, टलना हटना दूर करना, टलना हटना दूर करना, भगा देना अर्थात दुख भगाने का, अर्थात मन में शांति का माहौल पैदा करने का, दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न, जो माहौल होता होना चाहिए वही, दो दुख कछु टरत न टारे, अर्थात टारे टालना, ये टलना टरत न टारे टालना। देखो यहाँ टरत और ये टारे, कछु टरत ये टलना है और ये टारे टालना है, अर्थात ये भगाना दूर करना है, तो टारे टालना, तो क्या होता ही है, दुख को दूर करने के लिए गिरिधर कविराज जी कहते हैं कि दुख को कछु टरत न टारे, अर्थात कुछ भी, अर्थात कोई भी ऐसा कोई साधन जो मन में जो दुख होता ही है, क्यों दुख होता ही है, जो बिना विचार करके जो काम किया और वही काम उन्हें जो पछताना पड़ता है, लोग उन्हें हंसते ही हैं, उन मन में चैन नहीं मिलता और खान पान सम्मान राग रंग रूप आदि जो उन्हें उनका पसंद भी नहीं होता, तो मन में चित्त विनोद भी नहीं होता, तो क्या होता है, उन्हें दुख के सारे साधन जितना भी है, दुख को टालने के लिए, दुख को दूर करने के लिए सारे प्रयत्न, अर्थात टालने के लिए दुख कभी, दुख कछु टरत न टारे, दुख कछु टरत न टारे, अर्थात दुख का कोई भी चीज या दुख, दुख कभी भी दूर करने के लिए सारे साधन उनका बेकार हो जाता है, सारे साधन बेकार, प्रयत्न सारे साधन बेकार हो जाता है। आगे कविराज जी क्या कहते हैं कि कहा गिरिधर कविराज दुख कछु टरत न टारे, अर्थात गिरिधर कविराज ये कहते हैं दुख को टालने के लिए, दुख को हटाने के लिए, अर्थात मन में शांति पैदा करने के लिए ऐसा कोई साधन नहीं मिलता, सारे प्रयत्न किया होता है बेकार हो जाता ही है, अर्थात उन क्यों, क्योंकि उनका मूल्यवान समय बर्बाद हो गया या बर्बाद हो जाता है, उनका मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, बेकार या फालतू, मूल्यवान समय उन्हें गंवाना पड़ा, उन्हें गंवाना पड़ा। तो और क्या होता है, मूल्यवान समय चले जाने के बाद खटकता है जिया माही, ये जो काम किया बिना सोच विचार के उनका नतीजा क्या हुआ, खटकत है, खटकता ही है, अर्थात खटकना, खटकत, खटकत अर्थात खटकना, मन में खटकता है बार बार, क्या है, मैं ये काम क्यों किया, मैं ये काम क्यों किया, अर्थात ये काम नहीं करने से तो अच्छा ही होता और अभी जो नतीजा निकला ये बुरा, मैं ये काम नहीं करता तो अच्छा होता, ये जो मन में जो होता ही है ये खटकना, अर्थात बार बार मन में
अंकित होना, तो खटकना अर्थात बुरा लगना, खटकना बुरा लगना अर्थात मन में बार बार खटकता है मैं ये काम क्यों किया, तो खटकत है जियमाही, खटकत है जिय, जिय का मतलब हृदय दिल, यहाँ ये जिय हृदय हृदय दिल जियमाही हृदय, इसको हम क्या बोलकर पढ़ेंगे, हृदय हृदय लिखने में पढ़ने में हृदय दिल, तो खटकत है जियमाही अर्थात मन में खटकता ही है, क्या माही जियमाही, यहाँ देखो ये माही अर्थात मन के बीच, जियमाही बीच में अर्थात मन के जियमाही हृदय के भीतर बार बार खटकता ही है, वो अंकित होता है कि मैं ये काम क्यों किया, माही अर्थात बीच में क्यों जो बिना विचारे अर्थात क्यों जो किया, क्यों क्यों जो बिना विचारे, क्यों जो बिना विचारे अर्थात जो बिना विचार करके सोच विचार करके ये काम अच्छा होगा या नहीं, उसका नतीजा अच्छा होगा या नहीं, ये भला बुरा सोचे बिना जो काम करता ही है उनका मन में ये खटकता ही है, और मैं ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया जो बिना विचार के काम करता है अर्थात इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा बुरा, तो बार बार यह बात उसके मन में व्यथित करती है कि बिना सोचे और विचारे मैंने यह काम क्यों किया क्यों किया। अतएव जीवन में सभी छात्र छात्राएं सब जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, भली भांति अच्छी तरह से सोच विचार करके काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए तो भली भांति सोच विचार करके कोई भी काम करना चाहिए, जैसे बाद में हमें पछताना ना पड़े, अरे हमें बाद में हम जैसे नहीं पछताएंगे उसके ऊपर नज़र रखते हुए हम सब काम करेंगे, कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई के काम, घर के काम, कोई पाठशाला के काम, कोई भी काम जो करते हो ऐसे काम करो उनसे पहले तो देखो ये इसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके बाद कोई भी काम शुरू करो। तो ये था कवि गिरिधर कविराय के कुंडलियाँ, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरद नटारे, खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे, अर्थात कवि का कहना है कोई भी व्यक्ति सोच विचार करके काम करना चाहिए, जो बिना विचार करके काम करता ही है वह अर्थात उन्हें बाद में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि उसका काम जब बिगड़ जाता है लोग उन्हें हंसते ही हैं, वह हंसी का पात्र ही बन जाता है और वह मानसिक रूप से बेचैन अर्थात अशांति अर्थात शांति नहीं मिलता, और खान पान सम्मान आदि में क्या होता है उन्हें अच्छा नहीं लगता, और चित्त विनोद के लिए मन की अच्छाई के लिए मन को भाना उन्हें मुश्किल हो जाता है, अर्थात मन विनोद के सारे साधन उन्हें फीका पड़ जाता है और दुख को दूर करना मुश्किल हो जाता है, सारे प्रयत्न बेकार हो जाता है, मूल्यवान समय उसका अर्थात बेकार बर्बाद हो जाता है, अर्थात तुम लोग जानते हो समय एक बार चला गया तो दोबारा आता नहीं, जो गया सो गया, बार बार यह बात उनके मन में व्यथित करती है कि मैं जब ये काम सोच विचार करके करता तो इसका नतीजा बुरा ही नहीं होता,
अर्थात सोच विचार के काम करती, तो सोचे और विचार इसमें काम किया, बिना सोचे विचारे जो काम किया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, तो इसलिए उनके मन में बार बार खटकता ही है। अतएव जीवन में हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से भली भांति सोच विचार करके काम करना चाहिए, नहीं तो हमें हाथ धोना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा। तो ये था गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। तो अभी सभी छात्र छात्राओं को मेरा निवेदन है कि अच्छी तरह से घर पर पढ़ाई करें। जो मैं शब्दार्थ लिखता ही हूँ, जो पढ़ाता ही हूँ, घर पर ही किताब देखते हुए उसको पढ़ना ही है। आगे परीक्षाएं और उनके तैयारियां करने के लिए सब आगे बढ़े, और अभी मैं इसके लिए कुछ असाइनमेंट इसको कंठस्थ भी करना है। असाइनमेंट कुछ घर पर ही लिखना ही है। नंबर एक में एक या दो वाक्यों में उत्तर दो। क, क्या टालने पर नहीं टलता? मन में कौन सी बात खटकती रहती है? दूसरे में नंबर दो, खाली स्थान भरिए, क, खालिस्तान भरिए, डैश सनमान राग रंग मनहीं ही न भावे। ख, क गिरिधर कविराय दुख कछु दुख कछु
यस मर्तीन वाक्य बनाइए या वाक्य में प्रयोग करो दो शब्द खटकना और दूसरे में पछताना एक या दो वाक्य में उत्तर दो क्या टालने पर नहीं टलता मन में कौन सी बात खटकती रहती है खालिस्तान भरिए नंबर दो डेस हनुमान राग रंग मन ही न भावे क गिरिधर कविराज दुख कछु डेस ये भी डेस और ये भी खाली जगह वाक्य बनाइए खटकना और पछताना तो अभी इसको घर पर जाकर ही बनना मेरा व्हाट्सएप नंबर नाइन सिक्स ये तुम्हारे पास तो होते है ही फिर भी बहुत सारे छात्र छात्राएँ असाइनमेंट नहीं भेजते हूँ इसलिए मैं देता हूँ और पूरी तरह से पूरी तैयारी करके ही भेजना वंदे मातरम आज की पढ़ाई इतना ही है।